दिस इज़ पुरुज अनुथरिया। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई कहानी, इसका नाम है फेथ इन गॉड, भगवान में भरोसा। ठीक है, तो अपन कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। अपन एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड गैदरिंग करने में आसानी हो। ओके, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वंस, एक बार, अ ए एक, वंस मतलब एक बार, ए एक टीचर शिक्षक हेड रखता है, ए एक डिसिपल शिष्य, हु जो यूज्ड मतलब यूजुअली जो मतलब रहता है, मतलब उपयोग में जिस चीज़ को लेता है, यूज्ड जिस चीज़ को उपयोग में लेता है, टू लिव रहना, लिव मतलब टू लिव रहना इन में, ए एक हर्मिटेज आश्रम। ओके, वन एक डे दिन, द डिसिपल, डज डिसिपल मतलब शिष्य, वॉज था, गोइंग जा रहा, समवेयर कहीं पर, ही वह, या ही जो है वो शिष्य के लिए यूज हुआ है, ही वह हैड नॉट गॉन, नहीं गया था, गॉन मतलब गया था, हैड नॉट मतलब ज़्यादा नहीं, टू बहुत फार दूर, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था, हैड नॉट गॉन टू फार, वैन जब सडनली अचानक, इट यह स्टार्टेड शुरू हुई, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते और जो बिल्ली हैं वो अचानक से उस पर भागने लगे उसकी तरफ। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो बहुत ज़्यादा डर गया वो। ही रिटर्न वह, ही वह रिटर्न लौटा, एंड और टोल्ड बताया, दिस इस समस्या को, प्रॉब्लम समस्या को, इस समस्या को उसने अपने गुरु को बताया, टू हिज टीचर, हिज अपने लिए, टीचर उसका जो गुरु था, अपने टीचर को उसने ये बात बताई, द टीचर सैड, द टीचर शिक्षक ने सैड कहा, यू तुम, शुड चाहिए, हैव रखना, फेथ, फेथ मतलब श्रद्धा अपनी, ठीक है, विश्वास, इन मैं गॉड भगवान, ही वह, ही मतलब भगवान, विल करेगा, सेव सुरक्षित, यू तुमको, तो भगवान आपकी सुरक्षा करेगा, फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स समस्याओं से, फ्रॉम मतलब जिस जगह से निकल रही है, ऐसे प्रॉब्लम निकल रही है ना, फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सारी समस्याओं से तुमको भगवान बचाएगा। हाँ बेटी, ही द डिसिपल, सॉरी द डिसिपल जो शिष्य था, ओबेड मतलब उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, ओबेड मतलब आज्ञा का पालन करना, एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, और उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, रिज्यूम्ड मतलब जहाँ पर ख़त्म हो गई थी, मतलब जहाँ पर उसने ख़त्म किया वहाँ से आगे स्टार्ट किया उसने, ठीक है, या फिर जनरल लाइफ को उसने स्टार्ट किया आगे, रिज्यूम मतलब दोबारा से शुरू करना, हिज जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, हिज मतलब अपनी यात्रा, ही वह कैप्ट रखता, रेसिटिंग द नेम ऑफ गॉड मतलब भगवान का नाम याद रखता हमेशा, उसका नाम लेता, उसमें श्रद्धा भावना रखता, रेसिटिंग, ठीक है, द नेम ऑफ गॉड, उस मतलब अपनी भावनाएँ रखता, उनका नाम लेना नहीं भूलता वगैरह, तो रेसिटिंग, ठीक है, द नेम ऑफ गॉड भगवान का, एंड क्लियर, और सभी समस्या साफ हो गई, क्लियर ऑल द हर्डल्स, ठीक है, जितनी भी समस्या हैं वो सारी साफ हो गई क्योंकि उसे भगवान में भरोसा था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर शिक्षक, नेक्स्ट मतलब अगले, डे मतलब दिन, हैड टू गो ऑन द सेम रूट, तो अगले दिन शिक्षक क्या है कि उसने वो रास्ता लिया, कि उस रास्ते से वो गया, हैड टू गो है ना, वो गया ऑन द सेम रूट, सेम रास्ते से गया जिससे उसका शिष्य जाता था, वैन ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, वैन मतलब जब, ही वह रीच्ड पहुंचा, अ एक डीप ड्रेन, बहुत गहरे मतलब नदी समझ लो, बहुत गहरे पानी में, गड्ढे में पहुंचा, ठीक है, ही डाउटेड, उसे शक हुआ, ही उसे डाउटेड शक हुआ, वेदर यदि गॉड भगवान वुड सेव हिम, वुड सेव मतलब बचा
हिम उसे और नॉट, मतलब उसे डाउट हुआ कि भगवान उसे बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। द टीचर गॉट ड्राउंड, तो टीचर जो है डूब गया, द टीचर गॉट मतलब पा लिया उसको, मतलब डूब गया वो, चला गया, ठीक है, उसने उस चीज़ को पा लिया, ड्राउंड मतलब डूबना, डूबने को उसने पा लिया, गॉट। दस डाउट, दस डाउट ड्राउंस यू, तो डाउट जो है वो आपको गड्ढे में धकेलेगा, नीचे चले जाओगे आप, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। एंड फेथ सेव्स यू, और भरोसा जो है वो आपको बचा लेगा, चाहे आपको किसी भी चीज़ में भरोसा हो, ठीक है। तो चलिए हमारी कहानी ख़त्म हुई है, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी कोशिश रही कि एक एक वर्ड का मीन्स आपको समझा सकूँ, आई होप आपको सारे वर्ड्स के मीन्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।